प्रवासी भारतीय सम्मेलन पिछले उसका 17वां एडिशन इस बार प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया इंदौर में होगा। इस बीच में उज्जैन में महाकाल लोक का भी पहला फेज की लोकार्पण हो गया है, बहुत ही सुंदर बना है। भारत की सांस्कृतिक धरोहर जो सदियों से इस भूमि से जुड़ा हुआ है, जिसके लिए इसका नाम महाकाल है, काल गणना का आद्य केंद्र, इंदौर जैसे सुंदर और आधुनिक नगरी जो 21वीं सदी में भी स्वच्छता की नए पैमाना खड़ा कर रहा है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इस प्रकार की एक आयोजन निश्चित रूप में हमारी इस इलाका की मर्यादा को और बढ़ाती है। और मैं महाकाल की अनन्य भक्त के नाते हमें जब भी मौका मिलता है इनकी दर्शन का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है, हम खुद को कृतार्थ मानते हैं, बड़ा कृतज्ञ मानते हैं प्रभु के सामने। और महाकाल लोक की नव कलेवर के बाद और सुंदर हो गया है, लाखों भक्तों की भीड़ बढ़ रही है, धीरे धीरे सुविधाएं भी बढ़ रही है, लोगों के मन में आध्यात्मिक चेतना भी बढ़ रही है, ये बहुत ही अच्छी बात है। इस बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है भारत की शिक्षा व्यवस्था को जड़ से जोड़ा जाएगा, भारतीयता के साथ जोड़ा जाएगा, इसके अर्थ सब उसमें आएंगे। मध्य प्रदेश एक इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट की अच्छी डेस्टिनेशन बन गई है। पहले भी इंदौर एक बड़ा डेस्टिनेशन था, समय के हिसाब से जिस प्रकार के लॉजिस्टिक की नई वातावरण आ रही है, नई पॉलिसी आ रही, केंद्र प्रदेश होने के नाते, मध्य प्रदेश में स्थिर शासन होने के नाते, डबल इंजन की सरकार होने के नाते यहाँ अच्छा वातावरण है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।